एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि क्या LLM करना जरूरी है आफ्टर LLB? इज इट नेसेसरी टू डू LLM आफ्टर LLB? इसी के बारे में आज की मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं, LLM इज बेसिकली LLB के बाद जो LLB आपकी एक ग्रेजुएट डिग्री मानी जाती है, ऑल्दो इन सम केसेस सम यूनिवर्सिटीज कंसिडर इट टू बी अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, बिकॉज अगर आप 3 ईयर LLB कर रहे हैं तो वो आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर ब्रॉडली देखें उसको एक ग्रेजुएट डिग्री माना जाता है, बिकॉज आफ्टर दैट LLM इज देयर विच इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। और यू नो आई वुड से इन केस यूर डूइंग 3 ईयर LLB, LLM इज काइंड ऑफ अ स्पेशलाइजेशन दैट इज देयर। सो आई होप यू आर अवेयर, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता है, LLB जो है वो एक जेनेरिक प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हमें कॉर्पोरेट लॉ में जाना है तो हमें किस टाइप की LLB करनी चाहिए, हमें क्या LLB करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। LLB एक जेनेरिक प्रोग्राम है, इट इज़ अ जेनेरिक प्रोग्राम एंड एनी वन कैन डू इट। Being from any background, you can do LLB because it is basically telling you about the different laws that are there. It is not restricted to criminal law or corporate law or civil law. It covers all the laws. It tries to teach you everything. कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ब्रॉडली इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि लॉज किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्या मेजर सब्सटेंटिव और मेजर प्रोसीजर लॉज एग्जिस्ट करते हैं। नाउ स्पीकिंग ऑफ LLM, LLM करना मैंडेटरी है या नहीं, आई विल से दैट डोंट यूज़ द टर्म मैंडेटरी फॉर LLM। बहुत से स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि क्या LLM करना मैंडेटरी है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, नोबडी इज़ आस्किंग यू कि आपको LLM करना ज़रूरी है। आपने LLB कर लिया, आप LLB के बाद सीधा अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। सो देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन एज सच फॉर प्रैक्टिस दैट अगर आपने LLM किया है तो भी आप प्रैक्टिस में जा पाएंगे। इट इज़ नॉट सो। आफ्टर LLB यू डायरेक्टली गेट एनरोल्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, योर स्टेट बार, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। इन फैक्ट आई वुड से जिन स्टूडेंट्स को LLB के बाद प्रैक्टिस ही करना है इवेंचुअली, इट इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड टू डू LLM। कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी प्रैक्टिस पे, बिकॉज इन एनी केस प्रैक्टिस में आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं जो वो मैटर करते हैं, वो काउंट करते हैं। तो अगर आप LLB के बाद सीधा LLM स्टार्ट अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो आपके जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं वो बढ़ जाते हैं देन द कैंडिडेट जो LLB के बाद LLM करता है और फिर प्रैक्टिस में जाता है। LLM आई वुड से कि वो लोग कर सकते हैं जिनको या तो एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना है, आगे जाके अकेडमिक्स में ही जाना है, UGC नेट का पेपर देना है, लेक्चरशिप करनी है, सो ऑब्वियसली दोज पीपल कैन डू LLM। इट विल बी गुड फॉर देम। इनफैक्ट कि आपको और ज़्यादा डीप में लॉ पढ़ना है तो आप LLM कर सकते हैं। फर्दर जिन लोगों को जुडिशरी में जाना है वो LLM कर सकते हैं, ऑल्दो आई वुड से कि उनके लिए भी मैंडेटरी है, बट देन आप LLM करेंगे तो आपको फर्दर यू विल बी एबल टू स्टडी इन डेप्थ, क्योंकि LLB के बाद LLM में तो इट इज़ अज्यूम कि आपको लॉ पता है तो और आपको ज़्यादा डीपली पढ़ाया जाता है, तो वो इवेंचुअली आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। देन ऑब्वियसली बट यू हैव टू कीप इन माइंड योर एज। अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं एट द एज ऑफ 32, 30 वट एवर इट मे बी एंड यू नो इट इज़ क्रॉसिंग द लिमिट, देन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप LLM करें, आप सीधा LLB के बाद अपना जुडिशरी का एग्जाम दें अगर आपका एज का प्रॉब्लम है। देन अगर आपको रिसर्च में जाना है, इफ़ यू नो यू वॉन्ट टू वर्क विद एनी ऑफ द थिंक टैंक्स ऑफ इंडिया, आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में घुसना है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ काम करना है, तो रिसर्च की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर LLM बहुत अच्छा है, बिकॉज LLM गिव्स यू दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर कि आप रिसर्च पेपर्स लिखें, डिसर्टेशन बनाएं, तो उस केस में आप LLM कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल से दैट नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी एट ऑल। रादर आई वुड से जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं, हम LLB करके प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे दे मस्ट बी अवेयर कि
ऐसा नहीं है कि जो सारा हमने LLB में पढ़ा है वो सारा ही वहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बहुत सी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए, हमने पढ़ी हैं ड्यूरिंग आर LLB और वो नहीं अप्लाई हो रहा है, रादर कुछ और लॉज हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। जैसे कुछ आपका कोई भी रिमोट केस हो सकता है, द केस में रिलेट टू एनी लॉ, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, कोई आपके पास मैटर आया है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को लेके, ये सर्विस मैटर्स जो हैं, ठीक है आपने लेबर लॉ पढ़ा है, बहुत से लॉज पढ़े हैं, देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी सब्सिडरी लॉज एज वेल। तो बहुत छोटे छोटे, बिकॉज इंडिया में इतने सारे लॉज हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो आपको LLB के टाइम पे सारे लॉज पढ़ा दिए जाएँ। तो जो हम लॉज LLB में पढ़ रहे हैं वो ही हमारे प्रैक्टिस में काम नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम LLM कर लेंगे तो वहाँ पे हमको वो लॉज मिल जाएंगी। प्रैक्टिस जो है वो बहुत केस टू केस वेरी करती है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो LLB में हमने कभी पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है, वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जाके पता लग रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस आई वुड से। अगर आपको प्रैक्टिस में ही जाना है देन इट डज नॉट मेक सेंस कि आप LLM के लिए जाएं। रादर इफ यू वांट कि आपकी डिग्रीज बढ़ जाएं, देयर आर मोर डिग्रीज रिटन ऑन योर CV, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि आपने LLB करी है, अच्छा क्या आपने LLM भी किया है, एंड इफ यू से नो सो दे जज यू, बट दे डोंट नो इट इज़ नॉट रियली एप्लीकेबल इन प्रैक्टिस। LLM से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई BCom, MCom या BSc, MSc वाला फील्ड नहीं है, लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स है एंड LLB इज इन इट सेल्फ सफिशेंट फॉर दिस। बट इफ यू वॉन्ट कि आपका एक इम्प्रेशन अच्छा आए, आपके CV पे अच्छा लगे, तो यू कैन ऑल्सो डू LLM फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस रादर देन गिविंग अप ऑन दोज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। हाँ, अगर आपको पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट के लिए अपना LLM करना है देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर इट। जैसे ILI है, वहाँ का LLM बहुत पॉपुलर है एंड इट इज़ नोन दैट वहाँ पे काफ़ी ग्रिलिंग होती है बिकॉज बहुत सारे प्रेजेंटेशंस आपको देने पड़ते हैं। तो इवेंचुअली आई एम श्योर कि अगर आप LLM वहाँ से करते हैं, इतने सारे प्रेजेंटेशंस वगैरह देने के बाद ऑब्वियसली कुछ तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, कुछ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन वहाँ से आपको मिलेगा LLM में। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू एज अ पर्सन, अभी आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं पता है, क्या चीज़ें आपको इन्हेंस करने की ज़रूरत है, एंड ऑल्सो आपको किस फील्ड में जाना है, क्या चीज़ आपको ऑप्ट करनी है, आपके पास टाइम कितना है, ये जो डिसीजन है दिस इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स। सो इन केस यू आर प्लानिंग टू डू LLM, यू कैन डिसाइड ऑन दिस ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स दैट आई हैव शेयर्ड विद यू इन दिस वीडियो कि क्या आपको LLM करना चाहिए या नहीं, एंड ऑल्सो ऑब्वियसली यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू एडवाइस यू रिगार्डिंग दिस। इन केस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको ये ऐसा कंटेंट पसंद आता है, देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि और ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट लीगल अवेयरनेस आपको मिलती रहेगी, साथ साथ बेल आइकॉन दबाएंगे तो इमीडिएट नोटिफिकेशन आएंगे।